वेलकम टू प्रोम ऑनली क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे आईसी इंजन का पार्ट 6। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने किसी पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें लिंक मिल जाएगा जहाँ से जा करके पिछले सारे पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आईसी इंजन का पार्ट 6। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पेट्रोल इंजन में निम्न गति पर चलने अथवा आइडलिंग के लिए इंजन को आवश्यक होती है। ऑप्शन दे रखा है पतला मिश्र मतलब कि लीन मिक्सचर, ऑप्शन बी गाढ़ा मिश्र रिच मिक्सचर, ऑप्शन सी उचित मिश्रण मतलब कि थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर, ऑप्शन डी कैसा भी मिक्सचर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब कोई इंजन लो स्पीड पर चल रहा होता है या फिर आइडलिंग पर चल रहा होता है तो कैसी फ्यूल की रिक्वायर्ड होती है, कैसे फ्यूल को चाहिए होता है। तो उस समय तो सही इसका जवाब है कि उस समय हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, गाढ़ा मिक्सचर चाहिए होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, पेट्रोल इंजन में अग्रिम स्पार्क टाइमिंग का प्रभाव होगा। यदि पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग अगर पहले होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है नॉकिंग प्रवृत्ति मतलब नॉकिंग टेंडेंसी कम होगी, ऑप्शन बी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी नॉक प्रवृत्ति प्रभावित नहीं होगी मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी कहाँ नहीं जा सकता या फिर नॉन ऑफ डीज। इसका सही आंसर क्या होगा कि पेट्रोल इंजन में अग्रिम स्पार्किंग का प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि यात्री कार में निम्न प्रकार का कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है, यात्री कार में किस प्रकार का कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है कि क्षैतिज प्रकार का हॉरिजॉन्टल टाइप, ऑप्शन बी अपवर्ड प्रकार का, ऑप्शन सी डाउनवर्ड प्रकार का, ऑप्शन डी इंक्लाइंड टाइप का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि यात्री कार मतलब पैसेंजर कार में हम लोग डाउनवर्ड प्रकार का जो है कार्बोरेटर यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि पेट्रोल इंजन में बैटरी के साथ उच्च वोल्टा मतलब कि हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए आवश्यक उपयंत्र निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए इग्निशन कॉइल, ऑप्शन बी इग्निशन कॉइल व डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी इग्निशन कॉइल कॉन्टैक्ट ब्रेकर एंड कंडेंसर, ऑप्शन डी इग्निशन कॉइल एंड कंडेंसर। तो ये कह रहा है कि पेट्रोल इंजन बैटरी के साथ उच्च वोल्टा हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा इग्निशन कॉइल कॉन्टैक्ट ब्रेकर तथा कंडेंसर, ये जो है हमें चाहिए होंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसमें से ऑप्शन सी क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है डीजल इंजन की थर्मल इफ़िशेंसी होती है, यहाँ पे पूछा गया डीजल इंजन की थर्मल इफ़िशेंसी कितनी होती है। ऑप्शन में दिया गया 25%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 52%, ऑप्शन डी 65%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि डीजल इंजन की थर्मल इफ़िशेंसी 34% होती है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है किस इंजन की थियोरेटिकल इफ़िशेंसी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है गैस इंजन, ऑप्शन बी 2-स्ट्रोक SI इंजन, ऑप्शन सी 4-स्ट्रोक SI इंजन, ऑप्शन डी 4-स्ट्रोक CI इंजन। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 4-स्ट्रोक CI इंजन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है सुपर चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है जबकि ऑप्शन ए वायु का घनत्व समान रहता है, ऑप्शन बी अत्यधिक ऊंचाई पर जहां वायु का घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी जहां वायु का घनत्व ज़्यादा रहता है, ऑप्शन डी कहां नहीं जा सकता या फिर नॉन ऑफ डी। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि सुपर चार्जिंग की आवश्यकता होती है अत्यधिक ऊंचाई पर जहाँ वायु का घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, डीजल इंजन में प्रयोग किए जाने वाला आयल में गंधक मतलब सल्फर की मात्रा अधिक होने पर यह प्रभाव होगा, मतलब कि ऑयल में जो है सल्फर की मात्रा अधिक है तो क्या प्रभाव होगा। इस ऑप्शन दे रखा है इंजन में वियर अधिक बहुत अधिक होगी, ऑप्शन बी में उच्च संचरण युक्त गैसें उत्पन्न होने के कारण सिलेंडर की दीवार तथा निकास सिस्टम को संचारित कर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है सही जवाब है, ऑप्शन बी में कहा गया है कि उच्च संचरण युक्त गैसें उत्पन्न होने से सिलेंडर की दीवार तथा निकास सिस्टम को संचारित कर देगा, मतलब किसमें से ऐसे गैस उत्पन्न होती हैं जो कि इंजन सिलेंडर की दीवारों को तथा निकास सिस्टम को जो मैंने फोल्ड होता है जो एग्जास्ट सिस्टम उसका है वो हमारा ख़राब कर देगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा पे सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छे दहन कक्ष मतलब कि कंबस्टन चैम्बर के लिए मूल आवश्यकता है, ऑप्शन ए है उच्च संपीड़न अनुपात, ऑप्शन बी है निम्न संपीड़न अनुपात, आगे देखते हैं आगे दिया है उच्च शक्ति आउटपुट तथा उच्च थर्मल दक्षता, ऑप्शन डी निम्न जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो। तो यहाँ पे जो है सही जवाब जो होगा वो ये होगा हमारा कि उच्च शक्ति आउटपुट तथा उच्च थर्मल दक्षता, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंबसन चैम्बर के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पेट्रोल इंजन सिलेंडर में कार्बन का जमाव इसमें वृद्धि कर देता है, मतलब कार्बन का जब जमाव होता है सिलेंडर में वो किस चीज़ में वृद्धि कर देता है। तो ऑप्शन दे रखा है स्वेप्ट वैल्यूम, ऑप्शन बी मध्य प्रभावी दाब मीन इफेक्टिव प्रेशर, ऑप्शन सी संपीड़न पर कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन डी क्लियरेंस वैल्यूम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि यह हमारा कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो ये हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस तरीके से पढ़ाइए, और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद आईसी इंजन का ही इंग्लिश में भी ले आएंगे। कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी ले आएंगे, क्योंकि ये डिप्लोमा बेसिस पे जेई का एग्ज़ाम होता है और डिप्लोमा मैक्सिमम करके जो है हिंदी मीडियम के बच्चे करते हैं, इसलिए हमने इसे हिंदी में सब कुछ रखा है ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करके बार बताइए, और इस सीट को बाकी लोग डाउनलोड कर लें जिन्हें जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।